ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम क्लास टेंथ का एक टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास एसिड बेसिस और सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्या होते हैं इसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना। ये एसिड क्या होते हैं इनको डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद इसके टाइप के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं और इनके किन किन बेसिस पर इनको डिवाइड किया जाता है। दूसरा बेसिस को देखेंगे कि बेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे अल्कली क्या होते हैं और बेस के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर फाइनली जाके सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास इंडिकेटर हो गए, टाइप ऑफ इंडिकेटर हो गए, और ये एसिड और बेस का यूज़ कहाँ कहाँ है, सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफिनेशन से कि एसिड बेस एल्कली और सॉल्ट के क्या क्या डिफिनेशन होते हैं इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी लेते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जानना कि एसिड क्या होता है। एसिड, ठीक है, एसिड क्या होता है? तो एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको पानी में डिजोल्व करने पर H+ आयन बनाए या H3O+ आयन बनाए, तो ऐसे सभी कंपाउंडों को हम लोग एसिड बोलते हैं। एसिड का मतलब कि ऑल दोज कंपाउंड विच वेन डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O+ आयन इज नोन एज एसिड। ठीक है, चलिए लिखते हैं जरा समझने के लिए। All those compounds which when dissolve in water produces H plus ion or H plus ion or H3O प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन इज नोन एज एसिड। ठीक है, एसिड का मतलब क्या हुआ कि ऑल दोज कंपाउंड्स विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस एच प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन इज नोन एज एसिड्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने कहा HCl एक एसिड है। अगर इसको क्या किया जाए, इसका एक एक्वास सॉल्यूशन बनाया जाए, एक्वास सॉल्यूशन बनाया जाए इसका, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, ये H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा और यही H+ आयन बनाएगा। मतलब कि ये HCl जो है वो एक एसिड है। ये क्या है, एसिड है। ये कैसा एसिड है, तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H+ आयन तो बना दिया, लेकिन हमने कहा कि H3O+ आयन भी बनाता है। तो देख लीजिए, ये भी एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं इसको, H3O+, या कह सकते हैं कि ये जो H+ आयन बना है हमारे पास ना, ये क्या होता है, इसमें वाटर है, वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन बनाया गया है, तो जो भी H+ आयन बनता है वो क्या होता है, कंबाइन कर लेता है उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जिसमें O के पास एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या, जरा समझिए इसको, जैसे मान लीजिए HCl ले लिया, इसको H2O के साथ सॉल्यूशन बना लिया। जब सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये H+ आयन में टूटेगा और ये Cl- आयन में टूटेगा, और यहां पर ये पाया जा रहा है H2O। H2O में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन आयन एच प्लस आयन है, यानी एच प्लस आयन मतलब क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी बेचारा लूज कर दिया और लूज करके एच प्लस आयन बना दिया। अब ये जो एच प्लस आयन बना है ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसको स्टेबल होना है तो इसके बाहरी सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी ये स्टेबल होगा। अगर इसको स्टेबल होना है तो इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसके पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो ये 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन को दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो रिएक्शन करना पड़ेगा, तो इसलिए अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है और ये H2O इस H के साथ कंबाइन करके H3O+ बना लेता है। ये प्लस साइन इसके ऊपर आ जाता है और ये क्लोरीन साइड में रह जाता है। तो आपने देखा कि जब आप HCl को वाटर में मिलाए हैं तो H3O+ आयन बना है, यानी हाइड्रोनियम आयन बना है, तो आप इसे कहेंगे कि यह HCl जो है वह एक एसिड है। क्या है,
एसिड, ठीक है, समझ में आ रहा है एसिड क्या होते हैं। ये हो गया हमारे पास एसिड, एक दो एग्जांपल मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। चलिए तो ये तो समझ में आ गया कैसे बन रहा है। अब देखिए इसी तरीके से हम ये ले लीजिए HNO3, ये भी एक एग्जांपल है भैया, ये भी एक एसिड होता है, क्योंकि इसे भी अगर आप पानी में डिजोल्व करेंगे यानी इसका भी एक्वास सॉल्यूशन बनाएंगे तो होगा क्या कि ये भी बनाएगा H+ आयन और NO3- आयन, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे H+ आयन बन रहा है, इसका मतलब कि ये भी एक एसिड है। तो इस तरीके से बहुत सारे एसिड हमारे पास हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे H2SO4 हो गया हमारे लिए, ठीक है, H3PO4 हो गया, H3PO3 हो गया, ठीक है, ये HNO3 हो गया हमारे पास, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HF हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमारे एसिड के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है, और भी एग्जांपल्स जैसे CH3COOH हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे पास सब के सब एसिड होते हैं क्योंकि इन्हें पानी में डिजोल्व करने पर H+ आयन बनाते हैं। तो ये तो पहला टाइप हो गया हमारे पास एसिड। दूसरा हमें ये समझना था कि बेस क्या होता है, ठीक है, बेस क्या होता है। तो एसिड जो है ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें जिनको पानी में डिजोल्व करने पर H+ आयन बनाते हैं। तो बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इन एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना सकते हैं। बेस कैसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनको पानी में डिजोल्व करने पर, सॉरी पानी में नहीं, इनको एसिड के साथ मिलाने पर सॉल्ट और वाटर बना दें तो उन सभी कंपाउंडों को हम लोग बेस कहेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ऑल दोस कंपाउंड्स that forms yeah all those compounds which react with acid which react with acid to give salt and water is known as base। सॉल्ट का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनको एसिड के साथ यदि मिला दें तो वो सॉल्ट और वाटर बना लें, तो ऐसे कंपाउंडों को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि आप एक एसिड ले लीजिए, एसिड क्या देखे हैं, मान लीजिए H2SO4 ये सब देखे थे हम लोग, तो मान लीजिए हमने HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl एसिड, इसका इसके साथ रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराएंगे तो ये Na+ और OH- माइनस में टूटेगा, H+ और Cl- माइनस में टूटेगा। कैसे, जरा यहां बता देते आपको, ये टूटेगा Na+ प्लस OH- में, और ये जो हमारे पास HCl है वो H+ और Cl- में टूटेगा। ये प्लस वाला इस माइनस के साथ कंबाइन करेगा और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ, और कंबाइन करके क्या बना लेंगे, कंबाइन करने के बाद हमारे पास बनाएंगे, देखिए NaCl प्लस, और ये क्या बनाएंगे, OH+ H2O, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सॉल्ट हो गया, ये हो गया सॉल्ट, ठीक है। इस सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड, और ये वाटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि यानी इनको हम बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भाई साहब जब इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं सीएल के साथ, तो रिएक्शन करके ये ऐसे ब्रेक हो रहे हैं कि कम्बिनेशन करने के बाद ये बना रहा है ऐसा कंपाउंड जो कि एक सॉल्ट है, और ये बना रहा है एक दूसरा कंपाउंड जो कि वाटर है। तो इस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे, हम लोग बेस कहेंगे। और एग्जाम्पल थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, NaOH के साथ हो जाएगा KOH हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और लिख लेते हैं जैसे MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा। ये सब के सब क्या है, बेस है। ये हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो ध्यान रहे ये सब के सब क्या है, बेस है। ये क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बेस समझ में आ गया। अब समझते हैं हम लोग कि एल्कली क्या होते हैं।
चलिए अब समझते हैं कि एल्कली क्या होता है। एल्कली का मतलब देखो, ये अभी जो बेस पीछे पड़े हम लोग, वे सब बेसेस में से ऐसे बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, उन सभी बेसेस को एल्कली बोलते हैं। क्या कहा मैंने कि अभी जो बेस हमने यहां लिखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी बेसेस में से वे सभी बेस जिनको पानी में डिजॉल्व करने पर क्या करें सॉरी डिजॉल्व हो जाए, उन सभी बेसेस को हम लोग बोलते हैं एल्कली। यानी हम कह सकते हैं सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कली। सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कली, समझ आ रहा है? मतलब कि ऐसे बेस जिनको पानी में डिजॉल्व किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। अच्छा, अब ये बेसेस कौन कौन से हो जाएंगे? तो NaOH, KOH, ठीक है, CaOH, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये जितने सारे हम यहाँ पर बेस देख रहे हैं, ये भी एक बेस है, ठीक है। ये कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा बेस है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बेसेस हैं, ये सब के सब हमारे पास एल्कली कहलाते हैं, क्योंकि सॉल्युबल है पानी में, इसलिए। तो देखिए, आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एल्कली है? तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़े ना, जैसे हमारे पास यहां पर आता है ठीक है, ये हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, ये जो आता है हमारे पास ये, और एक हम लोग पढ़े थे कि ये इतना तक काफी है, ठीक है। तो ये जो पढ़े थे हम लोग, इसको एल्कली मेटल्स कहते हैं, इसको एल्कली मेटल्स कहते हैं, और इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोले थे। तो इस कंडीशन में ये जो एल्कली मेटल्स हमारे पास होते हैं, या ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, इन्हीं के जो बेस होते हैं ना, वही सॉल्युबल होते हैं पानी में। इन्हीं के जो बेस होते हैं वही सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास जितने सारे मेटल्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स या मेटल के हाइड्रोऑक्साइड्स जो होते हैं, वही क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो ये मेटल है, ये सब के सब मेटल है, ये भी सब मेटल है। इन सभी मेटल्स को हम क्या करेंगे? अगर इनका ऑक्साइड या हाइड्रोऑक्साइड ले लेंगे, तो वो सब क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। तो ध्यान रहे, मेटल्स ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोऑक्साइड बेस होते हैं, और नॉन मेटल के कार्बोनेट क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि एल्कली क्या होता है। अब हमें ये समझना है कि सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट देखिए, कहा जा रहा है कि ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड्स जो तब बने जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करें, तो इस कंडीशन में उन सभी कंपाउंडों के, या वो जो न्यूट्रल कंपाउंड हमारे पास बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट, ठीक है। वो जो कंपाउंड बनता है हमारे पास, जो कि न्यूट्रल होता है, वाटर को छोड़ करके, हमने कहा कि जब हमारे पास एक एसिड और एक बेस रिएक्शन करेगा, तो इस कंडीशन बनाएगा सॉल्ट और वाटर। तो ये तो वाटर की बात हटा दीजिए, ये जो सॉल्ट बना है ना, ये जो यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड, ये सॉल्ट जो होता है न्यूट्रल कंपाउंड होता है, यही न्यूट्रल कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे HCl ले लिया, ठीक है, इसको रिएक्शन करा दिया हमारे पास CaOH से करा देते हैं, ठीक है, 2HCl लिया, CaOH से रिएक्शन करा दिया इसका। जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस, ये बनाएगा 2H2O।
तो ये जो CaCl2 बना हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है. क्या है? कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है. ठीक है, चलिए अब इस सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये ध्यान रहे. सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एसिड, बेस, एल्कली और ये सॉल्ट. तो ये चार टाइप्स है हमारे पास, सॉरी ये चार पार्ट्स हैं जो हम लोग एसिड, बेसिस और सॉल्ट में पढ़ने वाले हैं. अब इसके बाद से वन बाय वन करके इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि एसिड क्या होते हैं और एसिड को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है और वो कौन कौन से बेसिस है जिसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करेंगे. तो ठीक है, एसिड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एसिड, उनके टाइप्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में. ओके.